Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Ritika and in today's video I'm gonna show you that how to make aate wala halwa. So guys, let's just start to the video. Guys, I'm here in the kitchen. To dekh lete hain kon kon se ingredients chahiye. Okay, for making aate wala halwa we need only 3 ingredients. To pehla kon sa rahega? Flour, jo ki wheat flour hai, theek hai, jise hum aata bolte hain. To isme maine 5 chamach aata liya hai. नेक्स्ट कौन सा रहेगा? नेक्स्ट मैंने चीनी ली है, चीनी भी सेम 5 चम्मच ली है, ठीक है. अब अगर हमें लगेगा कि और ज़्यादा चाहिए तो वो हम इंक्लूड कर लेंगे उसमें. एंड नेक्स्ट घी लिया है मैंने 3 चम्मच. आप चाहें तो घी को 5 चम्मच भी रख सकते हैं इनके सेम क्वांटिटी का, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरह का पसंद है खाना. सो एज़ यू कैन सी यहाँ पर अभी मैंने घी डाला है. अभी घी थोड़ा सा जब कलर चेंज करेगा, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में हो जाएगा, तब मैं इसमें क्या डालूँगी, व्हीट फ्लोर डाल दूँगी. सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे जो व्हीट फ्लोर है वो घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है और हमने इसको तब तक करते रहना है जब तक ये पूरी तरह से ब्राउन कलर या थोड़ा हल्का रेडिश कलर का नहीं हो जाता. सो हमने इसको हिलाते रहना है, स्टिर करते रहना है ताकि जो आटा है वो साथ में फ्लेम के साथ ना जल ना जाए फ्लेम की वजह से. तो 2 मिनट तक और करेंगे. देन अब हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, शुगर ऐड करने वाले हैं. उतनी देर हम इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे गैस को, ठीक है. अब जितनी मैंने शुगर ली थी वो सारी इसमें 5 चम्मच डालने वाली हूँ मैं. ओके, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. मैंने इसकी थोड़ी क्वांटिटी रखनी है तो इस वजह से मैंने अपना जो शुगर और आटा और घी था उस हिसाब से मैंने इसको लिया है. आप चाहें तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो चीनी और आटे को ज़्यादा रखें और उससे भी ज़्यादा जो हमें घी है वो लेना है, ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम वाटर. तो मैंने यहाँ पर पूरा ग्लास फिल नहीं किया है, यहाँ पे मैंने 3/4 पार्ट लिया है वाटर गिलास का, ठीक है. नॉर्मल हम इसमें पानी डाल देंगे अभी. अगर नीड पड़ेगी तो हम और वाटर ऐड करेंगे बाद में, बट अभी तो नहीं है. और फिर से हम इसको क्या करेंगे, मिक्सिंग कर देंगे. गैस मैंने बंद रखी हुई है, आप गैस ऑन करके बिल्कुल मत कीजिएगा. अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं तो फिर तो आपको पता ही होगा, बट अगर आप मेरे जैसे स्टार्ट ही कर रहे हैं कुकिंग में तो फिर आप इसका ध्यान रखिएगा. बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें ध्यान से डालनी है अगर हमें टेस्टी टेस्टी हलवा खाना है. सो गाइस, अब देखिए मैंने इस चीज़ को क्यों किया है, क्योंकि देखिए अगर हम डायरेक्ट गैस ऑन करके इसमें पानी डाल देते ना तो इसमें क्लम्स बन जाने थे और उसकी वजह से क्या हो जाना था, हमारा हलवा बहुत ही ज़्यादा बेकार बनना था. अब मैंने क्या किया है कि इसमें गैस बंद करके सामान डाला है और इसको स्टिर करते रहना है, ठीक है. अगर स्टिरिंग नहीं करेंगे तो अच्छी तरह डिज़ोल्व नहीं होगा. नाउ टेस्ट करके देखूंगी इसको. यम्मी बना एकदम. मुझे पता है मम्मा पापा को बहुत पसंद आएगा. चीनी एकदम सही जा रही है इसमें और इसकी कंसिस्टेंसी भी पूरी वैसी है जैसे हम गुरुद्वारे में खाते हैं और देखने में भी यम्मी लग रहा है. सो अब मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगी, अब उनको ट्राई करवाऊंगी और वो इसको खाएंगे. सच में बोल रही हूँ, बहुत अच्छा बनेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको ये नहीं पता. सो थैंक यू सो मच गाइस. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. सो टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी.